हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। जो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों वर्ड्स को जनरली एक ही मीनिंग के में यूज़ किया जाता है, एक ही अर्थ में इन तीनों को एक ही समझा जाता है। लेकिन तीनों में बेसिकली काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इन तीनों का मीनिंग क्या है, यही है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बुक कीपिंग मतलब बुक्स रखना। ये मेनली वर्क है किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने से रिलेटेड वर्क को क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। बाटली बॉय जी ने क्या डेफिनेशन दी है बुक कीपिंग की, कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स। ये डेफिनेशन दी है बाटली बॉय जी ने। तो बुक कीपिंग में मेनली किन चीजों को शामिल किया जाता है, चार चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। यानी ऐसे ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना जिसमें दो चीजों, एक तो वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और दूसरे क्या है, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, उन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना। दूसरी चीज क्या आती है बुककीपिंग में, इन ट्रांजेक्शंस को मनी में मेजर करना, यानी कि रुपीज में कन्वर्ट करना। जैसे बिजनेस में अगर 100 शेयर्स परचेज की गई है तो वो कितने रुपीज की आई है, इस चीज को मेजर करना बुककीपिंग का दूसरा स्टेप है। तीसरी चीज क्या आती है कि इन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस को प्राइमरी बुक में, बुक्स में एंटर करना। प्राइमरी बुक्स कौन सी होती है, जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स यानी परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, जनरल प्रॉपर, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, कैश बुक्स, ये सब क्या कहलाती है, सब्सिडरी बुक्स कहलाती है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को प्राइमरी बुक्स में एंटर करना बुक कीपिंग का थर्ड स्टेप है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है कि इन ट्रांजेक्शन्स को लेजर में इनका क्लासिफिकेशन करना। तो ये चार चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, बुक कीपिंग के अंतर्गत आती हैं। तो बुक कीपिंग का जो काम है वो मेनली मैकेनिकल नेचर का होता है और इस काम को करने के लिए अकाउंटेंसी की बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ये काम उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो अकाउंटेंसी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। और आजकल ये काम किनके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है बुक कीपिंग का काम। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का काम वहां से शुरू होता है जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है। तो अकाउंटिंग में मेनली क्या चीजें आती हैं, उसमें सबसे पहला है क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में समरी तैयार करना। दूसरी क्या चीज आती है, इस समरी की हेल्प से रिजल्ट्स का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से यूजफुल इंफॉर्मेशन तैयार करना, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स तैयार करना। तीसरी चीज क्या आती है इसमें, इन रिपोर्ट्स को बिजनेस के जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको अवेलेबल कराना। ये तीनों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। अच्छा, तो लेकिन अकाउंटेंट का वर्क जो है वो बुककीपर के वर्क से थोड़ा आगे है। लेकिन बुककीपर द्वारा जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उन्हीं के बेस पे अकाउंटेंट जो है ये सारी एनालिटिकल रिपोर्ट्स तैयार करता है। तो अकाउंटिंग में लेकिन बुककीपिंग का काम भी इंक्लूड है और छोटे बिजनेस में तो अकाउंटेंट द्वारा ही बुककीपिंग का काम भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी क्या चीज है, व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जो कि उन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टेक्निक से रिलेटेड है जो अकाउंटिंग में यूज की जाती है। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या क्या चीज बताई जाती है? अकाउंटेंसी में ये बताया जाता है कि अकाउंटिंग बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की समरी कैसे तैयार की जाए, और इस इंफॉर्मेशन को बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स को कैसे अवेलेबल किया कराया जाए। यानी अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज किसके अंतर्गत आती है? अकाउंटेंसी के अंतर्गत आती है। कोहलर ने अकाउंटेंसी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या बताया है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी के अंतर्गत अकाउंटिंग की पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें आ जाती है। कहने का मतलब है अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग की थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आ जाती है, दोनों नॉलेज इंक्लूड हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट। तो सबसे पहला बेसिस क्या है इनमें डिफरेंशिएट का? स्कोप, यानी कि बुक कीपिंग में क्या वर्क आता है और अकाउंटिंग में क्या वर्क आता है। बुक कीपिंग में क्या वर्क आता है? बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, इन्हें मनी में मेजर करना और इन्हें एज पर रूल रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना, ये सारा वर्क किसमें इंक्लूड है? बुक कीपिंग में इंक्लूड। अच्छा, अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग के वर्क के अलावा ये जो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन है इनकी समरी तैयार करना। समरी किस रूप में तैयार की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर समरी तैयार करना और इनका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। मतलब इस समरी के रूप में जो नेट रिजल्ट्स आते हैं बिजनेस को, उनका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना और इन रिजल्ट्स को जो बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उन्हें कम्युनिकेट करना, ये सारा वर्क इसमें आता है, अकाउंटिंग में आता है। सेकंड बेसिस है स्टेज, है ना? तो बुक कीपिंग का काम प्राइमरी स्टेज का है, जबकि अकाउंटिंग का काम कैसा कहलाएगा? सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेनली जो इसका स्कोप है वही उसका ऑब्जेक्ट भी माना जाएगा। यानी कि बुककीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन है उन्हें एज पर रूल रिकॉर्ड करना, ये बुककीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि बिजनेस के नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना और जो ये रिजल्ट आए हैं इन्हें इंटरेस्टेड बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का। अच्छा, इसके बाद क्या पॉइंट है? नेचर, मतलब बुककीपिंग का काम रूटीन नेचर का है, डे टू डे वर्क करना पड़ता है बुककीपिंग का। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और लेजर में इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग का काम कैसा कहलाता है? एनालिटिकल नेचर का कहलाता है। माना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जनरली कब तैयार की जाती है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में तैयार की जाती है। कई बार एनालिसिस करने के लिए क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी ये रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो मतलब ये एक तरह से पीरियोडिकल वर्क कहलाया जाएगा, डे टू डे वर्क नहीं है ये अकाउंटिंग का काम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हु परफॉर्म्स, यानी कि बुककीपिंग का काम बिजनेस के जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का काम बिजनेस के सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज लेवल। मतलब एक बुककीपिंग का काम करने वाले पर्सन में अकाउंटिंग की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी वो रखता है तो वो बुककीपिंग का काम कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के वर्क के लिए एक पर्सन में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की हायर नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल स्किल, यानी कि एनालिसिस करने की स्किल। तो एक बुककीपर में एनालिटिकल स्किल का होना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि एक अकाउंटेंट में एनालिटिकल स्किल का होना मतलब रिजल्ट्स का एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करने की स्किल का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये डिफरेंस है बुककीपिंग और अकाउंटिंग में। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या।
आइए अब देख लेते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, है ना, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है और अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने, मेजर करने, उन्हें एज पर रूल रिकॉर्ड करने, उनका क्लासिफाई करने और उन क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन की समरी तैयार करने और इस समरी को बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो है इसकी मीनिंग। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटेंसी है एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जिसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग का काम किया जाता है। यानी इसमें अकाउंटेंसी में ये बताया जाता है कि किस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें किस तरह मेजर किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, समरी तैयार कैसे की जाए और उन्हें इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट कैसे किया जाए, मतलब अकाउंटिंग का काम किस तरह से तैयार किया जाए, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन किस में बताए जाते हैं? अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी थ्योरी है तो अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिकल वर्क। जैसे साइंस में थ्योरी पढ़ी जाती है उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, तो वही डिफरेंस अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में। ये एक साइंस है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है स्कोप, है ना। तो अकाउंटिंग का स्कोप बुक कीपिंग से ज्यादा है लेकिन अकाउंटेंसी से कम है ना। और अकाउंटिंग का जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, जबकि अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है? बहुत ज्यादा वाइड है ना। इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम भी आ जाता है। अच्छा, इसके बाद है रिलेशन, है ना। अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग पे पूरी तरह से डिपेंड है। जहां जब ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेजर में क्लासिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही अकाउंटिंग काम शुरू होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजिशन असर्टेन की जाएगी, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का काम पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? बुक कीपिंग पे डिपेंड। अच्छा, यहाँ अब थोड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। यहाँ बुक में दिया गया है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंट जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पे डिपेंड है, जबकि मेरा मानना ये है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पूरी तरह से डिपेंड है किस पे? अकाउंटेंसी पे, है ना। अकाउंटेंसी में ही वो चीजें दी जाती है जिसके बेस पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन अकाउंटेंसी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है फोर्थ ऑब्जेक्ट, कि अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्ट है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? नेट रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, है ना। नेट रिजल्ट्स माना बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये नेट रिजल्ट्स फाइंड आउट करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। और फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना और इन नेट रिजल्ट्स को इन बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ये क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है किसका? अकाउंटिंग का, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग द्वारा जो इंफॉर्मेशन तैयार की गई है उनके बेस पर डिसीजन मेकिंग का काम भी अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस था अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तो हो गया बुक्स के बेस पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। अब देखते हैं मोटे मोटे तौर पे क्या फर्क है तीनों में। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर एक पर्सन 11th और 12th पास करता है तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग का काम करने के लिए उसी आदमी को कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज एक सीए के पास अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज होती है। तो जो डिफरेंट एक 11th 12th ग्रेजुएट
और सीए में है, उतना ही फर्क बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर डिफरेंट टू ईच अदर। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की इस तरह की मोर यूजफुल वीडियोस देखने के लिए देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल।